तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आप लोगों की पर्ची तो काट रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से अगर आप पैसे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको यहाँ पर ट्रैफिक एसपी ने पदस्थ किया है यहाँ चालानी कार्रवाई करने के लिए? नहीं, चालानी कार्रवाई हम अपने पॉइंट में कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको ट्रैफिक एसपी के द्वारा जो है एक टारगेट दिया जाता है जिसको आपको फुल करना पड़ता है सर। तो जबलपुर में जो चालानी कार्रवाई है वो तेज़ी पकड़ रही है। इस वक्त दलों की टीम पहुंची है रानीताल से दमुनाका मार्ग की ओर जाने वाले मार्ग पर, जहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे कि यहां पर चालानी कार्रवाइयाँ जो है की जा रही हैं। अभी हमारे साथ यहां पर एक एएसआई है। भाई साहब, आप किस थाने में पदस्थ हैं? मैं यातायात मालवीय चौक में एएसआई त्रिलोक प्रसाद यादव जी। अच्छा जी, और आपके साथ में यहाँ पर कितने जवान हैं जो चालानी कार्रवाई कर रहे हैं? ये हमारे साथ है दो, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स में है जी। और एक ये एक पॉइंट वाले ये जो पुलिया बन रही है ना उस तरफ के हैं। अच्छा। और एक आगे जो भी मतलब डाइवर्सन पॉइंट है वो सब लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि तीन एएसआई हैं, तो क्या आप सभी एक ही थाने से या फिर? एक ही थाने से। अच्छा, एक ही थाने से। और ट्रैफिक के जो जवान लगे हुए हैं जी जी जी, उनकी संख्या लगभग 4 से 5 लोग? 4 से 5 जी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी तक जो है कितनी चालानी कार्रवाई कर दी गई है? ये नहीं, सुबह से नहीं, अभी अच्छा। 1 बजे के बाद ड्यूटी वाले हैं, 1 बजे के पहले वाले चले गए शिफ्ट वाले। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी चालानी कार्रवाई कर दी होंगी? अभी तो मैं 3 कर लिया हूँ, और बाकी जो किए हैं वो अलग अलग सब अपने अपने कटे और अपने मशीन से कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? त्रिलोकी प्रसाद यादव। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एएसआई ध्यान सिंह। तो आप कौन से थाने में पदस्थ हैं अभी? मालवीय चौक यातायात जबलपुर। अच्छा, नियम क्या कहता है सर कि यहाँ पर आप एक एएसआई हैं तो आपके साथ में एक जो है ट्रैफिक का हवलदार होना चाहिए? जी, एक हमारा ही रहता है मेरा जी। तो आपके साथ में यहाँ पर लेकिन देखा जा रहा है 4 लोग हैं, 4 हवलदार हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के। एक यहाँ पॉइंट वाला है और उसका हमारा ही हो गया, एक मेरा हमारा ही और मैं हो गया। अच्छा, तो क्या आपको जो है ट्रैफिक एसपी ने खुद निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर आपको चालानी कार्रवाई करनी है? हाँ, एसपी साहब के आदेश से चालानी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो निरंतर चलती रहती है। तो एसपी साहब यहाँ पर आते हैं दौरे पर? शाम के वक्त आते हैं राउंड में, तो उनको बताया जाता है। तो आपने उनको एक संख्या भी बताई होगी कि यहाँ पर इतने जो है पुलिस के जवान यहाँ पर लगते हैं? हाँ, हम लोग संलग्नित कार्रवाई करते हैं, दो दो तीन तीन टेंगू बैठ के। अच्छा। और संलग्नित कार्रवाई, क्योंकि एक आदमी में दबाव नहीं बनता है, आदमी भाग जाता है। अच्छा, तो क्या इसके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ से 4 से 5 जो है ट्रैफिक हवलदार लगे हुए हैं, ट्रैफिक के जवान लगे हुए हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लगाना पड़ रहा है लोगों को? लोग बाग रुकते नहीं है ना, सिंगल में रुकते नहीं है, 2-3-4 आदमी रहते हैं तो उसमें सुलभ हो जाता है रोकने में गाड़ी। क्यों? आपने हमें बताया कि आपने 1 बजे से यहाँ पर 3 चालानी कार्रवाई की है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे यहाँ पर, काफ़ी ऑटो भी निकले हैं यहाँ से जिन पर कार्रवाई की गई, लेकिन आप 3 बता रहे हैं। उनके कागज़ भी देखते हैं ना, कागज़ कंप्लीट होते छोड़ देते हैं। मतलब अगर पुलिस के जवान जो है अगर किसी प्रकार से लोगों से पैसे लेकर के अगर उनको जाने देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, पैसे वो लेते नहीं होते, उनका काम गाड़ी रोकना है, सिर्फ गाड़ी रोक के हमको देते हैं। जो पुलिस वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होती है उसके बाद में? नहीं, पुलिस जो हमारे हमराह हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आप लोगों की पर्ची तो काट रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से अगर आप पैसे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब अगर होगी हमारी तो बताएं आप, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं। नहीं, क्योंकि लोगों की ये शिकायत आती है कि अधिकतर जो है चालानी कार्रवाई के समय में हमसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर वसूल लिए जाते हैं और इस प्रकार की हमारे साथ घटना होती है, तो उसका वीडियो भी हमारे पास है। नहीं, निर्धारित जो फाइन है वो फाइन लेते हैं, कोई वसूली नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे जो ऑटो चालक हैं वो ओवर सवारी कर लेते हैं, ओवर लोगों बैठा लेते हैं, तो एक क्या लिमिटेशन है उनकी कि कितनी सवारी वो बैठा सकते हैं? 3 की इनकी लिमिटेशन रहती है। अपने अभी तक डिजिटल कितने चालान काटे हैं? अभी मतलब रोज़ चलानी करवाई होती है 10, 12, 6, 8, जैसे कोई VIP ड्यूटी हो गई तो उधर लग गए तो उस दिन थोड़ा कम हो जाता है, और दिन भर ड्यूटी करते हैं तो 10, 12, 15, 18, 20 ऐसे भी चलानी करवाई हो जाती है। अच्छा, तो पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं 4 से 5 लोग हैं, अगर यही जो है अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसे लोगों को बांट दिया जाए, जवानों को बांट दिया जाए, तो क्या वो कार्रवाई नहीं हो सकती? कार्रवाई हो सकती है, लेकिन दबाव थोड़ा क्या है, एक अकेले में दबाव नहीं बन पाता है। एक टारगेट दिया जाता, तो मंथली आपका टारगेट कितना रहता है? नहीं, वो तो मशीन से साहब के अधिकार मतलब आदेशानुसार 200 है चलान। अच्छा। मशीन के द्वारा POS मशीन का, ऐसे में कट्टे में जितना भी काटो आप। अच्छा, तो वो ट्रैफिक SP के द्वारा जो है एक टारगेट दिया जाता है जिसको आपको फुल करना पड़ता है सर। तो अभी जो उन्होंने कुछ चालान का आपको टारगेट दिया हो,
वो है तो उतना अपना पूरा करते हैं, और कभी वीआईपी ड्यूटी आ गया, कभी ये डाइवर्सन आ गया, तो इसमें थोड़ा कम हो जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे दलुक की टीम पहुंची है आगा चौक पर, जहां पर पुलिस का दूसरा पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर भी जो है चालानी कार्यवाही की जाती है। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि ये चूंकि एक व्यस्तम मार्ग है, यहां से निकल करके लोग सीधे रानीताल की ओर जाते हैं दमोह नाके से, जो कि रानीताल की ओर मार्ग जाने वाला रोड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस के एक ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल लगे हुए हैं, जो कि यातायात व्यवस्था को बनाने में यहाँ पर सुचारू रूप से मदद कर रहे हैं। और भी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से बसें आती हैं, चूंकि ये वन वे मार्ग है, यहाँ से केवल एक ही रास्ता है जहाँ से आने और जाने वाले दोनों यात्री जो हैं यहीं से निकलते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? ASI द्रुपाल सिंह यातायात थाना मालवी चौक। यहाँ पर ट्रैफिक SP ने पदस्थ किया है यहाँ चालानी कार्रवाई करने के लिए? नहीं, चालानी कार्रवाई हम अपने पॉइंट में कर सकते हैं। तो मतलब SP साहब के कोई निर्देश नहीं आपको चालानी? निर्देश है। अच्छा, लिखित निर्देश उन्होंने दिए हुए हैं? निर्देश है, इसलिए हम कर रहे हैं चालान। भाई यातायात व्यवस्था भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनका कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी चालानी कार्रवाई आपने आपके द्वारा यहाँ पर की गई है अभी? अभी एक दो चालान हम कर लिए हैं। एक दो चालान आपने किए यहाँ पे? और ये चेकिंग जो है कितने 1 बजे के बाद से शुरू हो जाती है? तो हमारा पॉइंट 1 बजे से आया है, हमारा ड्यूटी तो 1 बजे से आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जाता है कि ये चूंकि व्यस्तता मार्ग है, यहाँ से दोनों तरफ जाने वाले यात्री जो है एक ही तरफ से होकर के गुजरते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे मैनेजमेंट आगा करते हैं? वो रोक रहा है, देख रहा है, मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं? हम आप यहाँ पर अपने वाहन पर बैठे रहते हैं, बाकी जो पुलिस के जो ट्रैफिक हवलदार हैं, जो ट्रैफिक के जवान हैं, वो संभालते हैं सबकी? नहीं नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं। अब मेरे पैर में चोट भी लगा है ये? नहीं नहीं, वो चीज़ हम समझ रहे हैं आप। ठीक है, ठीक, चोट लगा है तो हम व्यवस्था भी बना रहे हैं, जो तीन सवारी मिलते हैं मोटरसाइकिल में कार्रवाई करते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो आगा चौक पर दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर ASI हैं, उनसे हमने यहाँ पर बातचीत करी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चालानी कार्रवाइयाँ भी लगातार की जा रही हैं। और मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं दलुक न्यूज़ चैनल।